अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा AIKMS के द्वारा आज अकबरपुर रोहतास में यानी तुलसी पर इस तरह से लोग निकले और इसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। और ये देखिए इस वक्त NH2C का मुख्य मार्ग है जो कि डेहरी ऑन सोन से ये यदुनाथपुर नहट्टा की ओर ये रोड जाता है। इस तरह से लोगों को परेशानियाँ हुई, इस तरह से सड़क जाम हुए, रास्ते में लोगों को इस तरह से रोका गया। ये अकबरपुर रोहतास की खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। न्याजी न्यूज़ की तरफ से आप देख रहे हैं कि रोहतास में इस तरह का लोग ऐसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी आज यहाँ पे इस तरह से लोग सड़कों पर निकल गए हैं और रोडों को इस तरह से बाधित किया है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये देखिए शहीद उधम सिंह अमर रहे और देखिए कैमूर वन अधिकार संघर्ष मोर्चा की जानिब से ये आज यहाँ पे इस तरह से सड़कों पर निकल पड़े हैं। आखिर इनका मामला क्या है और ये करना क्या चाहते हैं और इनका आवाज़ क्या है, मैं बात करता हूँ। कहा था और यहाँ के देशवासियों के साथ यह गद्दारी है, यह कभी नहीं चलने दिया जाएगा। ये देखिए इनका आज का आंदोलन जो था बहुत शांतिपूर्ण था। एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस को भी इन्होंने रास्ता दिया और कुछ देर तो रोड बाधित हुआ, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये रही कि एम्बुलेंस और स्टूडेंट थे जिसमें इनको उन्होंने रास्ता दिया। उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी ये बताइए पहले कि आप इस तरह से सड़क पर निकले हुए रोड को बाधित कर, डर लगता है कि नहीं आपको? नहीं नहीं डर की बात नहीं है, यहाँ तो हमारे देश ही गुलाम होने जा रहा है। तो जब हम गुलाम हो जाए रहे होने की स्थिति में है तो हमें डर किस बात की? वन अधिकार कानून 2006 को जिंदा रहते हुए इतना खोखला कर देना चाहता है कि ताकि वन अधिकार कानून देखने में लगे लेकिन उसके अंदर कुछ न रह जाए। ये बहुत बड़ी साजिश ये मोदी सरकार की है, ये मोदी सरकार कुल मिला के सारी नाराजगी इनकी मोदी सरकार से है। वन अधिकार जो अभी मामला सुना, पहाड़ पे सेंचुरी लगना, बालू का बंद होना, इस तरह का भूमिहीन का कुछ इनका मामला है। ये अभी जो हमारे स्टूडेंट जो हैं इस तरह से पर्चा का मामला है। दूसरी बात जो भर्ती को लेकर है उसकी इनकी नाराजगी है। ये बताइए नाराजगी आपकी है तो क्या सरकार को कहना चाहिएगा? सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार जो है इन गरीबों पर जो षड्यंत्र के तहत जो बेदखल करना चाहती है उनको बेदखल करना बंद करे। अगर बेदखल करना बंद नहीं करती है और इनको जो है उजाड़ने का काम करेगी तो यह हमारे आदिवासी समाज, यह पूरा परिवार, यह पूरा जनता इस सरकार के साथ लड़ने और भिड़ने के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए जीने और मरने के लिए तैयार है और कुर्बानी देने के लिए हर तरीके से तैयार है। इसके लिए सरकार को चाहे जो कुछ भी करना हो वह करे, जनता उसको मुकाबला करने के लिए आमने सामने होने के लिए तैयार है। ये गरीबों की आवाज़ है, उनके साथ सारे गरीब हैं और ये अकबरपुर रोहतास का NH2C है जहाँ पे आज इन्होंने आवाज़ उठाया है, रोड को बाधित किया है और इस तरह से सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का प्रयास किया है। क्या रोड जाम करके आपको क्या मिला? क्या हमने ये सरकार जो वादा किया था किसानों के साथ कि हम इस पर कानून बनाएंगे, कमेटी गठन करेंगे, अभी तक मोदी सरकार, केंद्र सरकार अभी तक झूठा ही साबित हुआ। मैं बताऊं, झूठा साबित हुआ जी? किसको झूठा कह रहे हो आप? हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, ये देश के प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री से शिकायत है जी? नीतीश कुमार जी से शिकायत है कि नहीं? उनको भी शिकायत है। उनसे क्या शिकायत है? यहाँ पे जो कि अभी समस्या जो है बिहार में, उन्होंने बोला कि गरीबों को 5 बार डिस्मे जमीन देंगे आवासीय के लिए,
अभी तक धरातल पर नहीं लागू हो रहा है। नाम क्या हुआ? राहुल चौधरी। कहाँ घर है आपका? भनाथपुर। आपका नाम? सुनील चेरो। कहाँ से आप आए हुए? तेरा काला रोहतास। आपका नाम? हीरामन राम। कहाँ से आप आए हुए हैं? तेनवा चुटिया से। चुटिया से आए हुए हैं। ये देखिए अकबरपुर रोहतास से, कोई भवनाथपुर से तो कोई रोहतासगढ़ से भी आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? नरेश सिंह। कहाँ से आए हुए? माधा से। ये माधा से, ये देखिए रोहतासगढ़ के हैं और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। जी आपका नाम? रमेश राम। कहाँ से आप आए हुए? हम बांदू से आए हुए हैं। बांदू से आए हुए हैं। देखिए अकबरपुर रोहतास नगर पंचायत का, यहाँ पर इन्होंने आवाज उठाया, करीब करीब इस इलाके के हर जगह के लोग मौजूद हैं। जी आपका नाम क्या है? तबसी राम। कहाँ से आए हुए आप? भदारा से। और कुछ महिलाएं भी आई हुई मेरे सामने, ये बताइए आप आई हुई हैं, हाथ में बैनर लिए हुए हैं, कितनी आप आई हुई यहाँ पे? आए हैं अपना अधिकार लेने खातिर। अधिकार? कैसा अधिकार? गाजडी घर है, पोस्ट पाठशा है, जिला रोहतास है, परमिला देवी नाम है हमको। अच्छा ये बताइए परमिला जी के अधिकार किस बात का अधिकार? गरीबी का मुद्दा है, बिजली बिल का मुद्दा है, गरीबी के मुद्दा है। जल योजना आपके गांव में है? नहीं है, सब नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पानी नहीं मिलता है क्या? पानी नहीं है, पानी है तो कबाड़ने खातिर कह रहा है, सिपाही कल गए थे कहे कि जब कबाड़ दीजिए कल नहीं तो हम आएंगे कबाड़ लेंगे। हाँ हम बोले कि पानी बिना हम मर जाएंगे, तो वो बोले कि पानी बिना हम जीमा नहीं लिए थे, घोरान करने खातिर कहे तो कहे कि बाघ बकरी धर लेगा तो हम नहीं जीमा है, तो आखिर हम मर न जाएंगे, पानी नहीं रहेगा तो कैसे हम जिएंगे। जल नल योजना का ये हाल है, एक महिला बोल रही है कि वहाँ पे इस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसको उजाल दिया जाएगा। ये बताइए उजाले बताने की बात हो रही है, आपका नाम क्या है? प्रभा देवी। कहाँ आई है आप? गाजडी से। वहाँ सिपाही जालन तो कह रहे की घोरान करिए मत, नहीं तो उजाड़ देंगे हम, कल उजाड़िए, काहे हमको बोले कि काहे नहीं घोरान करेंगे हमको, हम लोग के बाघ धरेगा सियार धरेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा। बचाएंगे आप? तो वो बोल रहा है कि हम लोग के अथी देगा तनख्वाह, हम कही कि तो आप लोग हम लोग के तनख्वाह देगा आप, हमारे बाल बच्चा खर्ची पुराएगा आप? ये गरीबों की आवाज़ है, ये अपने लिए आवाज़ उठा रही है कि हमको कम से कम जगह दिया जाए, कम से कम पाँच, कितना जगह का डिमांड आप लोग का? पाँच जिसमें जोत की जोधकोट की जमीन चाहिए। पाँच डिसमिल आवासीय भूमि बंदोबस्त है, हमको जोधकोट का नहीं, रोटी कहाँ खाने जाएंगे हम? रहती बात है भाई जी, जाहिर सी बात है कि घर में रहने के लिए तो कम से कम तो पेट पालने के लिए भी चाहिए जगह, तो इनका कहना है कि कम से कम हमको कुछ जमीन दिया जाए कि जिससे हमारे बाल बच्चे। राशन कार्ड है आप लोगों? राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, पति को राशन कार्ड है। ये देखिए युवा है, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ, हाथ में बैनर लिए हुए हैं, क्या भी बोल रहे थे आप? जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों का राशन कार्ड बना हुआ है, बड़े बड़े गरीब लोग, छोटे छोटे गरीब जो है उस लोग का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जो सरकार चल रही है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ पर चल रही है, ये छोटे छोटे गरीब जनता को कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं वाला नहीं है, कोई भी लाल कार्ड मिल रहा है तो उसको रसीद नहीं कट रहा है, ना कुछ हो रहा है, जो भी मिल रहा है वो अनलीगल हो रहा है, जो भी मिल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है विजय उरांव। क्या करते हैं आप? हम तो ये समाजकर्ता करते हैं, यही सब। ये समाज सेवी है और समाज के काम में ये लगे रहते हैं। इनका कहना है कि राशन कार्ड है मगर राशन भी नहीं मिलता है, सब तो बड़े बड़े लोगों का कार्ड है, इन गरीबों का कार्ड नहीं है। क्या आप ये बात सही कह रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं? सही कह रहे हैं, सही बात है, सही बात, ये बात सही कह रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ी गरीबों की समस्या राशन कार्ड और जमीन। हाँ जी, एक और महिला यहाँ पे है जी। हाँ सर, हाँ। हम लोग का रहने का जगह जमीन नहीं है सर, हाँ। जो थोड़ा मोड़ा जगह जमीन भी है सर, हम लोग का 12 बीघा जमीन है, हाँ। सब बड़े लोग छीन लिए हैं, हम लोग का रहने का जगह नहीं। बड़े लोग कौन? जैसे कि बाबू साहब है सर, राजपूत हैं। जो हम लोग का रहने वाला रूम है उसे पधा कल भी जन्म आ रहा है सर, लोग कर हमारा है, हम 44 करेंगे, रहने ना देंगे, हई करेंगे, फला मारेंगे पीटेंगे, आग धरा देता है सर लोग घर में, हम लोग कैसे रहे? कहाँ के रहने वाली है? हम चोरकप के रहने वाले हैं, तिलौतू थाना। तिलौतू थाना चाहिए? हाँ। ये देखिए तिलौतू थाना की महिला है, ये अपनी शिकायत बतिया रही है कि हमारे पास जो जमीन है, रहाइश का भी जो घर है उसको भी छीना जा रहा है। ये अपने गरीबों की आवाज़ सुना, अगर चाहिए हमारा आज का वीडियो नियाजी न्यूज़ का, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन गरीबों की आवाज़, इन गरीबों का दर्द अगर इस बात में लगा हो, दम लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि इनकी गरीबों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके, इनकी आवाज़ पहुँच सके। और आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इन गरीबों का वीडियो को शेयर करके साथ देने में एक कदम आगे बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक।